हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी एंड्रॉयड सेट को किस तरीके से हार्ड रीसेट कर सकते हो, यानी पूरा डिलीट कर सकते हो। आपके फ़ोन के अंदर जो फोटो है, अकाउंट है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, उनकी फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सभी आप एक क्लिक से डिलीट कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। मेरे पास है एम आई का रेडमी 6 प्रो, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर या तो आप सर्च कर लीजिए या फिर आप सिस्टम ऐप अपडेटर में जाकर आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं कि आपका मोबाइल अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप पहले अपडेट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से जाना है दोस्तों अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट का। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना अकाउंट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोटो, वीडियो, ऐप्स और बैकअप और अदर आइटम, यहाँ पे जो भी आपके फ़ोन के अंदर है, इसको आप सिर्फ यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर करना है दोस्तों, आपको इसके बाद यहाँ से ये आपको पैटर्न पूछेगा, आपको इसे पैटर्न लगा देना है। इसके बाद ये आपका फ़ोन आपसे आपके MI अकाउंट के पासवर्ड यहाँ पर पूछेगा, उसके बाद ही यहाँ पर ये रीसेट होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पासवर्ड लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा दिए हैं और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको ओके। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये फैक्ट्री रीसेट के लिए मैंने डाल दिया है, और ये फ़ोन यहाँ पर मांग रहा है कि आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, क्या आप यहाँ चाहते हो? तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करना है। एक सेकेंड बाद में यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपके फ़ोन के अंदर ये कह रहा है कि कोई बैकअप नहीं बनाया गया है, या आप चाहते हो तो आप बैकअप बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ इसको टोटली रीसेट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से अब ये प्रोसेसिंग चालू हो गई है इसके रीसेट होने की, और यहाँ से ये अब फ़ोन MI 6 Pro यहाँ से रीसेट होने का प्रोसेस पर चल रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इसका, आप देख सकते हो यहाँ पर जी दोस्तों यहाँ पर चल रहा है प्रोसेस, और आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप से जुड़ी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वो इस चैनल पर आपको हम सबसे पहले बताएंगे। आप देख सकते हो MI का लोगो यहाँ पर बिल्कुल आ चुका है MI UI का, और कंप्लीट प्रोसेस अभी चलेगा इसका, और धीरे धीरे इसका डाटा डिलीट हो रहा है। तो ये वापस से रीसेट हुआ है और रीन्यू हुआ है। चलो देखते हैं आखिर इसमें किस तरीके से ये चालू हो रहा है, कितना ये टाइम लेगा। तब तक हम वीडियो को बंद करते हैं, जैसे इसका मेन्यू ओपन होगा हम आपको वापस बताएंगे। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको ऑन। यहाँ से लैंग्वेज पूछ रहा है, तो मैं लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, और अगर आपको इसका जो रीजन पूछ रहा है वो भी मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आएगा, और यहां पर जो बैटरी कंज्यूम हुई है हमारी 4 से 5% हुई है। नेटवर्क कनेक्ट करने कह रहा है, तो मैं इसको यहां से स्किप कर देता हूं, और यहां से इसका जो एग्रीमेंट है वो मैं यहां से स्किप कर देता हूं। दोनों को मार्क करके मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो अपडेट के लिए यहाँ पर यह चेक हो रहा है। जो भी इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि रीसेट करने के बाद आपको फिर से किस तरीके से स्टार्ट आपके फ़ोन को करना है। दोस्तों यहां से आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अपडेट के लिए यहां पर इंस्टॉलेशन का जो भी प्रोसेस है ये इसमें चल रहा है, और अभी इसको चलने देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये टाइम लगा रहा है, और यहाँ से बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो आप बैक जा सकते हो और बैक जाके आप वापस से इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसके हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये नेट से कनेक्ट होता है तो। जैसे यहाँ पर इंस्टॉलिंग अपडेट्स दे तो रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, और यहाँ से आप कॉपी भी करना चाहते हो तो आप कॉपी कर सकते हो अपने डाटा की ऐप की, लेकिन मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ इंफॉर्मेशन ये चेक कर रहा है, इन्फॉर्मेशन के बाद में यहाँ से इसका जो भी इंटरफेस आएगा वो यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपसे ईमेल वगैरह पूछ रहा है, और यहाँ से मैं इनको स्किप कर देता हूँ एक बार। गूगल सर्विसेज है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से आपको MI अकाउंट पूछेगा, जिसको मैं फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। बाद में इसको हम साइन इन कर लेंगे, लेकिन आपको मैं बताने के लिए यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, और लॉक वाला ऑप्शन को भी मैं यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे फंक्शन है उसको आपको यहाँ से एग्री कर लेना है, और यहाँ से आपको लॉन्चर को एग्री कर लेना है। इसके बाद में आप थीम को क्लासिक कर लेना, और इसके बाद आपको यहाँ से सेटअप कंप्लीट हो चुका है,
तो यहाँ से आप अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग ऐप का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, और इसके बाद आपके सामने थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ऑटोमेटिक ये अपना इंटरफेस जो भी है आपके स्क्रीन का वो यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ऐप है तो थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा क्योंकि हमने इसको हार्ड फुल रीसेट किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत टाइम तो लेगा क्योंकि आपको भी पता है इनमें सारी फाइल्स है, फ़ोटोज़ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस सभी यहाँ पर वापस से डाटा रीसेट हुआ है, तो कलेक्ट होने में थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा ही। पर ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से सेटअप हमने कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है और फुल रीसेट होने के बाद आपका फ़ोन फिर से नया हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, बाकी का इंटरफेस सेम आ रहा है, आपको मेल वगैरह यहाँ से भी एंटर करने को मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।